उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही है, वहीं अगर बात की जाए रायबरेली जिले की, तो इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के पुलिस लाइन परिसर में, और आप यहां तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर से बेहतर आवास की व्यवस्था के लिए यहाँ बिल्डिंग निर्माण का कार्य भी शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी यहाँ का औचक निरीक्षण किया था और यहाँ के कार्य से वो किसी तरीके से संतुष्ट नहीं नजर आए थे। उन्होंने संबंधित आला अधिकारियों को व यहाँ के कार्यदायी संस्था के लोगों को फटकार भी लगाई थी और एक जांच कमेटी गठित करके इसके लिए बोला भी था। लेकिन आज 2 महीने का समय बीत गया है और अभी तक कोई भी जाँच का रिजल्ट सामने नहीं आया, तो वैसे में कहा जा सकता है कि आला अधिकारी व कार्यदायी संस्था डिप्टी सीएम के आदेशों को भी दरकिनार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार ऐसे लापरवाह कर्मचारियों व कार्यदायी संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार का कानूनी शिकंजा कसता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।